नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको वेवरान इमल्जन, ये जो जेल आता है, इसका रिव्यू बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब करते टाइम बेल का आइकॉन दबाना ना भूलें, क्योंकि मेरे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो ये जो वेवरान इमल्जन जो जेल मार्केट में आता है, ये नोहर्टिस कंपनी का आता है। 21 ग्राम का जेल का पैक रहता है, 21 ग्राम, जिसकी कीमत रहती है 82 रुपीज। तो पूरी जानकारी लेंगे, दवा क्या चीज़ के लिए चलती है, इसका यूज़ कैसा करना है, इसका इफ़ेक्ट क्या है, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है। सबसे पहले ये दवा डॉक्टर के सलाह के अनुसार डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर लेनी चाहिए। ये दवा आपके नज़दीकी केमिस्ट के दुकान में, मेडिकल स्टोर में आपको मिल जाएंगी। इसके कंटेंट के बारे में देखेंगे, क्या कंटेंट कंपनी ने इसके अंदर डाले हैं। दोस्तों, इसके अंदर डाइक्लोफिनेक डाइथलामाइन IP 1%, आईपी यानी दोस्तों ये इंडियन फार्माकोपिया इसको बोला जाता है। डाइक्लोफिनेक डाइथलामाइन IP 1%, ये सिंगल कंटेंट है, सिंगल इंग्रेडिएंट है। इसके यूजेस के बारे में देखेंगे, क्या चीज़ के लिए चलता है। तो ये जो डाइक्लोफिनेक जेल जिसको बोला जाता है वेवरान इमल्जन, ये जेल मार्केट में आता है, ये मेनली यूजफुल इन द मसल एंड जॉइंट पेन। दोस्तों, अगर आपको मसल पेन की शिकायत है, आपको जॉइंट पेन की शिकायत है, आपको दर्द की शिकायत है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए दवा दी जाती है। इसको नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी दवा बोला जाता है। ये दवा मेनली ट्रीट द पेन एसोसिएटेड विद द कंडीशन लाइक गोट, माइग्रेन, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, स्प्रेन ऑफ मसल एंड जॉइंट। दोस्तों, अगर आपको आर्थराइटिस की शिकायत है, आपको स्प्रेन ऑफ मसल एंड जॉइंट की शिकायत है, आपके घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, मांसपेशियों का दर्द है, बॉडी पेन है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए दवा दी जाती है। बहुत बढ़िया दवा है दोस्तों। आपको जो शिकायत है, एक्सीडेंट की वजह से कुछ दर्द है आपको, या फिर कुछ बोन इंजरी की वजह से आपको दर्द महसूस हो रहा है, तो ये दवा बहुत बेहतर है। ये फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली, इसको बाहरी रूप से यूज करने वाली दवा है। क्या लिखा है दोस्तों, ये क्वाइन साइज एप्लीकेशन, छोटा साइज एप्लीकेशन किया तो भी रिजल्ट आ जाता है, स्टेन फ्री है, ये प्लेजेंट, इसका सेंट अच्छा है दोस्तों, और इजीली अब्सॉर्ब हो जाता है। तो बढ़िया दवा है। इसके साइड इफेक्ट के बारे में देखेंगे, दवा से आपको क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। दोस्तों, ये दवा की वजह से आपको कुछ बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, कुछ एलर्जी आ सकती है। दोस्तों, और भी कुछ साइड इफेक्ट, रिएक्शन, एलर्जी आपको नज़र आती है, तो आपके नज़दीकी डॉक्टर से आप मुलाकात कर सकते हैं। इसको यूज़ कैसा करना है, ये दवा फॉर एक्सटर्नल यूज़ के लिए है। इसको बाहरी रूप से दिन में से 2 बार आप लगा सकते हैं। आपको जहाँ दर्द है उसी जगह, फॉर अफेक्टेड एरिया, जहाँ दर्द है वहाँ इसको लगाना चाहिए। दिन में से 2 बार आप इसको लगा सकते हैं। डोसेज के लिए आप अपने डॉक्टर का भी सलाह ले सकते हैं। ऐसे ही आने वाले बहुत से प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको जानकारी देते रहूँगा, इसलिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।